एवरीवन, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अभी शाम के 5:30 बज रहे हैं और चाय मैंने बनाई है सिर्फ पापा और मम्मी के लिए, क्योंकि हस्बैंड बोल रहे हैं उनको आम पन्ना पीना है, मुझे भी आम पन्ना पीना है, क्योंकि गर्मी ने बहुत ज़्यादा हद कर दी। अब तो बहुत ही ज़्यादा मतलब हो रहा है कि बारिश हो ही जाए। और तो मैं बाद में रहूँगी, अभी ये थोड़ा सा नहाकर आएंगे तो उसके बाद मैं आम पन्ना बनाऊँगी बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी। अभी फ़िलहाल के लिए मैं यहाँ पर बना रही हूँ पोहा वाली जो नमकीन होती है ना, इसको चिवड़ा भी बोलते हैं, वो मैं बनाने जा रही हूँ। काफ़ी दिन से मैंने बनाया नहीं था तो इस बार मैंने इनसे बड़ा पैकेट मंगाया था। हर बार बड़ा ही मंगवाती हूँ मैं, तो आज मतलब थोड़ा हाफ मैं इसका मतलब नमकीन बना के रख दूँगी। नमकीन मीन्स कि इसमें वो सेब वाली जो नमकीन होती है वो कुछ भी मैं ऐड नहीं कर रही हूँ, क्योंकि वो है नहीं करते। सिर्फ मैं इसमें मूँगफली वगैरह ऐड करूँगी और ये ऐड करूँगी, इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। और थोड़ा सा मैंने बिल्कुल 2 चम्मच के बराबर ऑयल लिया है ताकि मूँगफली को मैं इसमें हल्का सा रोस्ट कर सकूँ। और आज मैं आपको डेट बता देती हूँ, आज 9 तारीख और आज है वेडनेसडे। और मैं आज अपना इवनिंग से अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। मॉर्निंग से बिल्कुल भी ब्लॉग स्टार्ट नहीं करा था, इवनिंग से मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट करते हैं, क्योंकि मेरी थोड़े से ब्लॉग की एडिटिंग रहती थी जो लेट हुई थी, आप लोगों को इसलिए ब्लॉग लेट मिला है। तो चलिए फटाफट नमकीन बनाते हैं। आशा भी बाहर है कल की तरह, वो आज फिर से पाइप से नहा रहे हैं और उसके पानी से, मोटर के पानी से। तो चलिए नमकीन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ कड़ी पत्ता और देखो हवा कितनी अच्छी चल रही है, बारिश नहीं हो रही है, बस हवा ही चलने में है 2 दिन से। चलिए तो मैं ये तोड़ देती हूँ कड़ी पत्ता, ये वाला कैंडी वहाँ से देख रही है, तो थोड़ा सा और तो इतना बहुत होगा कड़ी पत्ता। और देखो पेड़ वगैरह बहुत हिल रहे हैं लेकिन बारिश तो आधे का नाम ही नहीं ले रही है। और हमारी कैंडी यहाँ पे, कैंडू क्या कर रही तू, क्या कर रही कैंडी, ले कैंडी ले, आजा आजा, खाएगी चल चल। तो बस यहाँ पर मैं जो पोहा होता है ना उसकी नमकीन बना रही हूँ और ये बहुत इजी होती है और इसमें हम बहुत कुछ ऐड कर सकते हैं। नमकीन सेव हो जाते हैं, जो नमकीन के सेव होते हैं ना वो ऐड कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स किशमिश वगैरह जो हमारा मनोमखाने। लेकिन मेरे पास अभी इनमें से ऐसा कुछ भी नहीं है, सिर्फ मूँगफली है और ये जो पोहा होता है ये है। इससे भी लेकिन बहुत अच्छा बनता है, आशी लोगों को ये बहुत पसंद है। अगर मैं इसको आज बना रही हूँ ना तो ये 2 से 3 दिन में ख़त्म हो जाएगा बिल्कुल, एक डिब्बा भर के अगर मैं बनाऊँगी, क्योंकि इनको बहुत पसंद आता है, जितनी बार किचन में जाते हैं उतनी बार मांगते हैं। तो इसलिए मैंने कहा चलो बना देती हूँ चाय के साथ, थोड़ा सा हो जाता है ना एक स्नैक में। वैसे बिस्किट वगैरह तो ये लेते हैं लेकिन हर बार नमकीन वो मीठा वगैरह इतना अच्छा लगता नहीं है, तो मैं आज नमकीन बना रही हूँ। मैं आपको दिखा रही थी कि बारिश जो है वो थोड़ी सी पड़ी है और इस थोड़ी सी बारिश को देख के बहुत ज़्यादा खुशी हुई, जो कि सिर्फ 5 मिनट की थी, उससे और गर्मी हो गई है। और यहाँ पर जो नमकीन थी ना वो मैंने बना दी है, सबसे पहले मैंने आशी और सिया को ही दी है। ये हल्की सी गुनगुनी है लेकिन बच्चों से बिल्कुल भी पेशेंस नहीं होता है बच्चों के अंदर, ये बहुत मांग रहे थे मम्मी दे दो। तो मैंने कहा चलो गुनगुनी सी थी, हल्का सा वार्म थी तो मैंने दे दी। इंजॉय कर रहे हैं अपनी नमकीन, तेज आता ना फिर खाया नहीं जाता इसलिए। तो ये दोनों के दोनों आज फिर से खाए हैं, कैसे नहाए थे उसी में, अब मैं बोल रही बारिश आएगी आज से आए, थोड़ी सी 2-4 बूंदे पड़ी हैं और बारिश बंद हो गई है ना, 2-4 बूंदे इतनी जगह में पड़ी तो थोड़ा पड़ी ना बारिश, ज्यादा नहीं हुई। कैंडी मम्मी कैंडी को देखना तो आशी और अपनी नमकीन खाते खाते इंजॉय कर रहे हैं ये रामायण। वैसे इंजॉय तो वो नमकीन कर रहे हैं, रामायण उनके उसके पापा ने लगा दी है,
तो उन्होंने क्या करना, पिछले साल भी लॉकडाउन में उन्होंने रामायण पूरी एपिसोड देखे थे और इनको अच्छे से याद भी है, तो अभी इनका बिल्कुल मन नहीं था कि ये रामायण देखे, लेकिन इसके पापा ये दिखा रहे थे इनको कि चलो रामायण देखो, यहाँ बड़ी मुश्किल से ये देख रहे हैं, नहीं तो अभी हटा देंगे वैसे ये। और मैं आ चुकी हूँ अपने रूम में, तो रूम की हालत थोड़ी सी ख़राब है क्योंकि दिन में हम लोग रेस्ट करते हैं, बच्चे भी इधर आते हैं तो इधर से उधर हो रखा है सारा सामान, तो इन सबको भी मैं ठीक करूँगी, उसके बाद आगे काम शुरू करेंगे। टाइम 6:30 बज गए हैं और अभी मैंने हेयर मतलब जो बाल वगैरह है वो बनाए हैं, क्योंकि आज मैंने हेयर वॉश करा था और बाल मैंने बस ऐसे बांध दिए थे। मतलब गर्मी ऐसी हो रही है कि जो गीले बाल है ना उनमें और ज़्यादा गर्मी लग रही है, तो मैंने क्या करा, मैंने पूरे बाल फोल्ड करके ऊपर लगा लिए थे और वो अभी तक हल्के हल्के से गीले हैं, तो मैंने सोचा चलो एक बार कंघी मार देती हूँ, नहीं तो फिर वो उलझते रहेंगे तो और बाल टूटेंगे। और फेस वॉश तो पता नहीं कितनी बार कर दिया है मॉर्निंग से, इतना पसीना वगैरह आ रहा है, और फैन सच्ची में हमारे इतने तेज़ चल रहे हैं और मौसम बारिश वाला हो रहा है, लेकिन बारिश बिल्कुल भी नहीं हुई है, मतलब 5 मिनट की बारिश नहीं, कार वाली बारिश हुई है और इससे और ज़्यादा गर्मी हो जाती है। तो ये हस्बैंड तो छत में चले गए हैं, आश्चर्य को मैं बोलूँ छत में चले जाओ, थोड़ा सा ये होता है छत में थोड़ा पेड़ वगैरह थोड़ी सी हवा सी आ जाती है ना, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, ये नमकीन खा रहे हैं, वहाँ देखो बजा रहे हैं, इनको बहुत अच्छी लग रही है, बोल रहे हैं मम्मी और दे दो, तो मैंने कहा बेटा अभी नहीं, कटोरा भर भर के दे रखा है तो ये बाद में खाएंगे, वहाँ से मुझे देख रही है ये। तो बस मैंने बाल वगैरह बना दिए हैं और अभी मैं किचन में जा रही हूँ, देखते हैं आज सब्जी, मैं वैसे भिंडी सोच रही हूँ, भिंडी है थोड़ी सी क्यारी में भी, देखती हूँ भिंडी होगी, तो आज मसाला भिंडी बनाती हूँ, मतलब श्योर नहीं है लेकिन 80-90% मतलब मैं सोच रही हूँ आज मसाला भिंडी बनाती हूँ, तो क्यारी में जाके पता चलेगा वो तो भिंडी कितनी है, थोड़ी भिंडी घर पर रखी हुई भी है इसलिए, और दिन की दाल भी है तो वो भी काम आ जाएगी है ना, एक सूखी सब्जी भी हो जाएगी साथ में। जाओ बेटा तुम दोनों जाओ, पापा के साथ जाओ छत में जाओ, कैसे बात करते हो, सुन रहा हूं कैसे बात कर रहे हैं, देखो क्या बोल रही हूं, ये देखो क्या, पेट नहीं भरा यार, ये देखो क्या बातें कर रहे हैं, इतनी नमकीन भूख लग रही है, इनका पेट नहीं भरा है ये बोल रहे हैं, आपने बहुत कम नमकीन दी जबकि मैंने इनको इतना बड़ा बड़ा कटोरा भर कर दिया है, तो ये भी इनका पेट नहीं भरा है, बनाना बोल रही हूं खा लो, मैं बोल रही थी कि स्विमिंग पूल जिलाऊंगी और फिर हम लोग देख रहे हैं, मम्मी बोलेंगी नहीं नहीं तो मैं तो कट्टे ही नहीं जिलाऊंगी और पर मम्मी को जिलाना होगा, मम्मी ने नहीं जिलाया तो आशी पता क्या बोल रही है, आशी बोल रही है आपने हमें तो कह रहे थे कि स्विमिंग पूल दिलाऊंगी और वीडियो में कह रहे थे मैं नहीं दिलाऊंगी, तो मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है, वैसे बोलना नहीं चाहिए लेकिन मुझे वो वेस्ट ऑफ मनी लगता है, और जो चीज़ ऐसी लगती है वो मैं कभी भी नहीं लेती अपने बच्चों के, चाहे वो कितना भी जिद करे, लेकिन अभी ये बोल रही है तो देखेंगे बीच में ले लेंगे, इसलिए चाहिए पता हूँ क्यों, मैं खेलने के लिए नहीं, हम बच्चे नहीं खेलने के लिए, ये बच्चे नहीं है बोल रही है, हम बच्चे नहीं है सुना ना हमें कि हम तो बाथरूम में भी ना सकते हैं, उसमें वो होता कॉकर पर मजा भी नहीं आता है क्योंकि मग आता है, और उसमें सोचो कि बेड पर जो इतना बड़ा बेड है उसमें शावर आता है, अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है, मैं उसकी रेड रास्ते को बता देती हूँ, 5,000 अभी लेती हूँ। तो आप सबने सुनी आशी और सिया की बातें, आशी को तो इतना हो रखा है बस वो उसको फिर इन बच्चों को क्या होता है कि सब्र नहीं होता है बिल्कुल भी, तो इनको थोड़ा सा बातचीत इनकी दिखाने के बाद थोड़ा सा कट करने के बाद मैं यहाँ पर आ गई हूँ किचन में, और जो चाय के बर्तन हैं साथ में हमने आम पन्ना वगैरह जो पिया था उसके बर्तन हैं वो सब मैं वॉश कर रही हूँ, और इसके बाद जाएंगे क्यारी में, देखती हूँ भिंडी थोड़ी बहुत मिल जाए तो मिक्स करके बना देंगे ना, इसलिए तो मम्मी बोल रही थी मैं ही तोड़ देती हूँ, तो मम्मी चली गई थी क्यारी में, क्योंकि मैंने 2-3 बार तोड़ के लाई हूँ ना, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो गई थी खुजली वगैरह बहुत ज़्यादा, क्योंकि ना इसके पत्तों में बहुत ज़्यादा खुजली होती है इसलिए, तो मम्मी ने कहा मैं तोड़ के लेकर आती हूँ, तो थोड़ी बहुत लगी थी, थोड़ी घर पर थी तो मिक्स करके बन गई थी ये, और कैंडी देखो साथ साथ में घूमती है, जहां पे तब जाएंगे उसको वहीं जाना होता है। तो अभी हम आए हैं अपने पड़ोस में आंटी के आए हैं, और गमले कितने प्यारे लग रहे हैं ना, मम्मी इनमें थोड़ा सा पानी डाल रही हैं क्योंकि आजकल धूप बहुत ज़्यादा तेज है, मम्मी ने कहा चलो पानी डाल देते हैं, मम्मी भी इधर ही है, लो मम्मी हाँ तो मम्मी और मैं भी देखने आए थे लीची ना, तो हम लोगों से तोड़ी नहीं गई क्योंकि इतना एक्सपीरियंस नहीं है तोड़ने का ना, तो ये वाली तोड़ी है मैंने, चढ़ के सीढ़ी में चढ़ी हूँ तो ये थोड़ी सी तोड़ी है मैंने, जो जो हाथ में आई ना वो तोड़ दी है, और बाकी तो माली भैया बोल रहे थे मैं
है ना, मैं माली आएंगे ना भैया। अच्छा हाँ, तो ये माली ऊपर ऊपर आप देख रहे हो ना, ये माली भैया जो है। हाँ लो नमस्कार, लो लो मम्मी लो लो, तो थोड़ी है नहीं नीचे हमसे टूटी, ऊंचा है ना पेड़ ना बेटे से टूटा, तो कल मानी ले गए थैला भर के ले गए लीची, तो कल आएगा वो लड़का एक साथ में तो कह रहा तोड़ूंगा ना, तो मांग लेंगे हम भी थोड़ा सा। हाँ तो मम्मी ने कहा थोड़ी सी थोड़ी सी। हाँ मेरे से भी इतना हमें आता नहीं तोड़ना, बस जितना मेरे से ऐसे टूट गए। हमने कहा पड़ोसी की लीची तोड़ी है तो अच्छी बात नहीं, तो आगे हम कूद के यहाँ पानी डाल रहे हैं, गमले सूख रहे हैं इनके बहुत ज़्यादा। हमने कहा थोड़ा चलो इनको पौधे देते हैं, पानी देते हैं। हाँ ये हाँ धूप तेज है ना आजकल, तो क्यारी सारी सूखे, तो मम्मी का चलो डाल देते हैं थोड़ा सा, जब आई रखे हैं लीची तोड़ी तो। यहाँ पे ना हवा भी चलने लगी है, बारिश नहीं हो रही है लेकिन हवा अच्छी चलने लगी है। हाँ बंदरों ने यहाँ बहुत ज़्यादा कर लीची, वो अब खाने लग गए ना। हाँ परसों तक तो खा नहीं देते, अब खाने लग गए हैं उधर, पूरा उन्होंने ख़राब कर दिया है। और मैं जा रही हूँ अब कमरे में, मतलब घर में जा रही हूँ मैं। सिया लीची पकड़ लोगे आप वहाँ से? हाँ। लो ये देखो लीची है ना, पकड़ो, पहले आप नीचे उतर जाओ बेटा। हाँ। वहाँ नीचे उतरो ना, फिर आप कैसे उतरोगे? लो इसको ना अभी यहीं पर ऐसे पकड़ के रखना, ठीक है? मैं पकड़ लो इसको, मैं यहाँ से आ रही हूँ फिर ऊपर ना, तो मैंने यहाँ पे चेयर लगाई है। ये लीची तो मैं यही किचन में बैठ गई हूँ, मेरे बहुत सारे मच्छरों ने काट दिया है, मुझे मच्छर बहुत काटते हैं, और इसमें लीची में ना चींटियाँ भी हैं, तो मैं ऑयल ये लगा रही हूँ सरसों का तेल, बुरी तरह काट दिया मच्छरों ने, इतने मोटे मोटे कर दिए हाथों में, तो ना इसमें बोलते हैं सरसों का तेल लगा दो ना तो थोड़ा सा खुजली कम हो जाती है, और मेरे पैरों में तो कुछ ज़्यादा ही काट दिए। तो चलिए अभी हो चुका है डिनर का टाइम, और डिनर बनाना शुरू करते हैं। तो ये जो आप देख रहे हो ये सब भिंडियाँ मैंने वॉश करके बहुत पहले से ही रखी हुई थी, ये बिल्कुल ड्राई हैं, इनमें बिल्कुल भी मॉइस्चर नहीं है, और इनको ना एक कट लगाना है, बीच में से एक कट लगाना है, अच्छे से चेक करना है कीड़े वगैरह ना हों, और इसमें थोड़ी सी हल्दी और थोड़ा सा नमक इसमें ऐड करके, और आधा नींबू का रस मैंने इसमें ऐड करा था, जो कि क्लिप आपसे मेरे से मिस होगी आपको दिखाना, अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको, और थोड़ा सा ऑयल लेंगे, और उस ऑयल में इन भिंडियों को हम फ्राई कर लेंगे। बहुत ज़्यादा ऑयल की ज़रूरत नहीं है, आप और भी ज़्यादा ऑयल ले सकते हो, मैं लेकिन इतने ही ऑयल में कर रही हूँ। तो इनको फ्राई कर लेंगे अच्छे से, मतलब ये पकने चाहिए 80-85% तक तो ये पकने ही चाहिए, उसके बाद ये मसाले में भी पकेंगे। इसलिए तो यहाँ पर जो भिंडी है आप देख रहे हो बहुत अच्छे से ये फ्राई हो चुकी है, और इन सभी भिंडियों को मैं निकाल लूँगी अलग से प्लेट में, और उसके बाद हम बनाएंगे मसाला इसका। तो यहाँ पर जितनी भी भिंडियाँ इन सबको मैं अलग प्लेट में निकाल लूँगी। और क्या हुआ है ना आज, मतलब मुझे पता नहीं था कि व्लॉग के एंड में, मतलब मेरा जो व्लॉग है वो तो अच्छा खासा बना है, लेकिन मेरा मूड लास्ट में थोड़ा सा ऑफ हो गया था। उसका रीज़न ये है कि आज जो मैं शाही भिंडी मसाला बना रही हूँ उसकी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर कर रही थी, लेकिन पता नहीं मेरे फ़ोन में क्या प्रॉब्लम होगी, वो सारी की सारी क्लिप्स सिर्फ प्याज जो मैं भून रही हूँ ना यहाँ तक थी, उसके बाद सारा का सारा डिलीट हो गया है, पता नहीं कैसे, वो डिलीट भी नहीं बोलेंगे, वो अजीब सा करप्ट हो जाती है वो वीडियो, और फिर वो चलती ही नहीं है, सिर्फ आवाज़ सुनाई पड़ती है। तो ऐसा ही कुछ यहाँ की, इसके बाद जब मैं मसाला इसमें मिक्स कर रही थी उसके बाद से ही ये क्लिप सारे ख़त्म हो चुकी थी, और सीधा जब मैंने देखा तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ख़राब हुआ, क्योंकि मैं होता है हम मैं नहीं, कोई भी यूट्यूबर हो या कोई भी हाउस मेकर हो, उसकी अगर वो कुछ बना रहा हो ख़राब हो जाए बीच में तो बहुत बुरा लगता है। तो जो आज ब्लॉग का एंड में मुझे बहुत ज़्यादा मेरा मूड ऑफ हो चुका था, यहाँ पर अभी जो मसाला है इस मसाले में ही सारे फ्लेवर थे, और इस मसाले में ही सारी रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करनी थी, और वो ही डिलीट होगी। तो अभी फ़िलहाल कुछ नहीं कर सकते, डिलीट हो गया तो डिलीट हो चुका है यानी कि, तो अब क्या करें, मूड उस टाइम पर ऑफ होता है, लेकिन अभी तो ठीक है। बस ये रहता है कि जो मैं बनाती हूँ आप लोगों के साथ शेयर करने का बहुत मन रहता है, तो कोई नहीं, नेक्स्ट टाइम जब बनाऊँगी तो आप लोगों के साथ ज़रूर उसको शेयर करूँगी। तो यहाँ पर मसाला जैसा आपने देखा सारा का सारा मेरा रेडी हो चुका था, और उसके बाद जो फ्राई करी हुई मैंने भिंडी थी वो इसमें ऐड कर दी है, इसको मिक्स कर देंगे, और इसको ढककर मैं 10 मिनट तक पकाऊँगी, ताकि जो वो 100% है इतना वो पक जाए, क्योंकि 85
85-90% मैंने इसे पका ही रखा है, तो इसको ज़्यादा पकाना नहीं है, नहीं तो ये सारी की सारी भिंडियाँ जो हैं वो बीच में से टूट जाएंगी, जो कि अच्छी नहीं लगती हैं। तो बस इसको 10 मिनट तक मैं पकाऊंगी और इसके बाद हमारी जो शाही भिंडी मसाला है वो रेडी हो चुकी होगी। रेसिपी फिर कभी नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं इसकी, काफ़ी अच्छी बन रही है। हमारे घर में इच्छाधारी नागिन आई है। कैसे करती है नागिन, कैसे करती थी करके दिखा। ओए बाप रे, ये देखो, देखिए ऐसी नागिन, इतनी क्यूट नागिन देखी, ये देखो इस सर पे अपने नागिन बिठा रखी है। ये बाप रे, ये देखो आटे का खेल हो रहा है इनका। किसने बनाया ये? पापा ने बनाया। और तूने सर पे रख लिया ये कोबरा बना रखा पापा ने तो है, और तू नागिन बन गई ऐसी है? ये देखो नागिन कैसे डसती नागिन। तो यहाँ पर मैंने जो मसाला भिंडी है वो रेडी चुकी है मतलब, और मैंने इसको सर्व कर दिया है और बहुत अच्छा होता है। और ज़्यादा अच्छी पता कब लगती है, जब हम नेक्स्ट डे खाते हैं। बहुत सी सब्जियाँ या दालें ऐसी होती है जो हम नेक्स्ट डे खाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो और ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सारे जो फ्लेवर हैं मसाले हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुके होते हैं। तो ये सब्जी बहुत अच्छी बनी थी, नेक्स्ट टाइम ज़रूर आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और इस ब्लॉग को भी यहीं पर एंड करती हूँ आज, नए ब्लॉग के साथ मिलूँगी, तब तक ले बाय बाय। और जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से करिएगा। बाय बाय एंड टेक केयर, बाय।